Hello everyone and very good morning to all of you and welcome all on my YouTube channel Biology Village. And guys, today we are going to discuss Fuphaceae. Fuphaceae का मतलब होता है brown algae's, जो हमारे syllabus में हैं दो members हैं, Fucus and Ectocarpus. हम सभी को पढ़ चुके हैं, Fucus को भी पढ़ चुके हैं और Ectocarpus को भी पढ़ चुके हैं. गाइज, जो Fuphaceae का मतलब होता है, जब इसकी हम जनरलाइजेशन, हमें टू फैमिली पढ़ना है, Fuphaceae एंड Cynophaceae. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, केवल हमें Fuphaceae को पढ़ना है. हम जो इसमें मेंबर था हमारा Fucus, उसकी भी हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं. अब हम बता दें Fuphaceae में हमें कैसे करके पढ़ना है. Fuphaceae में हमें Ectocarpus के बारे में नहीं पढ़ना, बाकी इसके दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके बारे में भी जानना है. तो कहने का मतलब, मोस्ट ऑफ दी जो कंटेंट है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो सिमिलर है. जैसा कि हमने Fuphaceae पे जो वीडियो अपलोड किया है Fucus में, उसकी तरह ही कंटेंट होगा. बट यहाँ पे दूसरे एल्गी के बारे में भी हम बात करेंगे जो Fuphaceae को बिलोंग करते हैं. जैसे हमारा टॉपिक था Fucus. अब इसके बाद जो Fuphaceae में मेंबर्स आते हैं, जैसे आपका सार्गेसम आता है, डिक्टियोटा आता है, लेमिनेरिया आता है, तो हम इन पे भी हम बात करेंगे गाइस. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं Fuphaceae के मेंबर्स को. कॉमनली हम क्या बोलते हैं, हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं. और बहुत सारे कॉमन टर्म्स हैं जो हम ब्राउन एल्गी या Fuphaceae के मेंबर्स के लिए यूज़ करते हैं. जैसे गैंड ऑफ द एल्कर, मतलब बहुत बड़े बड़े एल्गी के ग्रुप बनाते हैं ये. माचो एल्गी बोलते हैं, मतलब काफ़ी ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये कॉलोनी बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोइट कॉलोनी बोलते हैं. इसके अलावा केल्प का जो टर्म आता है, रॉक वीड, ब्लैडर केल्प, सी पाम, लार्जेस्ट एल्गा, डेबल एप्रॉन और सार्गेसम ऑफ सार्गेसोसी. ये सभी जो टर्मोलॉजी हैं, ये आपके Fuphaceae के मेंबर से कंसर्न है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो जीनस हैं, लगभग 240 जिंदा जो है पूरे दुनिया में, मतलब ग्लोबली अगर देखे जाए, रिपोर्ट हुए, और 1500 स्पीसीज. बट आउट ऑफ दिस, मतलब ओनली 32 जो है ना, 93 स्पीसीज रिपोर्टेड इन इंडिया. काफ़ी कम है ये. एंड एग्जाम्पल में बात देखें, जो बहुत ज़्यादा कॉमन ब्राउन एल्गी, उसमें आपका लेमिनेरिया, Fucus, Ectocarpus, सार्गेसम और माइक्रोसिस्टिक. माइक्रोसिस्टिक को आप जानते होगा, इस सबसे जो बड़ा एल्गा होता है वो होता है माइक्रोसिस्टिस पायरीफेरा. ठीक है गाइस, अब एक सेंटेंस से हम पूरे Fuphaceae को समझते हैं. देखिए, इसमें आपको 5 पॉइंट ध्यान रखना है. Fuphaceae क्या होते हैं? ब्राउन एल्गी आर डिस्टिंग्यूश्ड बाय क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट की क्या खासियत है? जो क्लोरोप्लास्ट है वो यहाँ पे फोर मेम्ब्रेन से सराउंडिंग है. मतलब लिखा है दैट है फोर सराउंडिंग मेम्ब्रेन, एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट है थायलेक्योर. थायलेक्योर जो होते हैं यहाँ पे तीन तीन के ग्रुप में होते हैं, स्टैक्स ऑफ थ्री. अगला पॉइंट है फ्यूकोजेंथिन, जो कि यहाँ का मेन पिगमेंट होता है, प्रीडोमिनेंट पिगमेंट होता है. इसके अलावा इन ब्राउन एल्गी Fuphaceae में आपके बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी भी प्रेजेंट होता है. बट जो फ्यूकोजेंथिन होता है वो इसका प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है गाइस, जो आपका होता है ए काइंड ऑफ जेंथोफिल एंड इट कवर द इफेक्ट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी. कहने का मतलब है, ये जो फ्यूकोजेंथिन होता है, क्लोरोफिल ए जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल सी जो भी प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी में, इन्हें कवर किया होता है, इन्हें मास्क कर लिया होता है, कहने इनके इफेक्ट को दिखने नहीं देता है. तो ये कलर भी प्रोवाइड करता है फ्यूकोजेंथिन, इसी वजह से कि ये मास्क करता है क्लोरोफिल ए एंड सी एंड प्रोवाइड ब्राउन एल्गी कैरेक्टरिस्टिक कलर, दैट मीन्स ब्राउन कलर या ओलिव ग्रीन कलर. इसके अलावा फोटोसिंथेटिक लैमिनेरिन क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक रिजर्व होता है. इसमें जो फूड मटेरियल बनता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, उसे हम क्या बोलते हैं, लैमिनेरिन बोलते हैं. एंड एल्जिनेट कॉमनली एज द सेल वॉल मैट्रिक्स कंपोनेंट, जो इसकी सेल वॉल होती है उसमें प्रेजेंट होता है एल्जिनेट, दैट हैव वेरी मच कमर्शियल एप्लीकेशंस. ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल सिल्क के फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है. नाउ अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पे. तो इंट्रोडक्शन में हम जब बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा कि इन एल्गी को हम माचो एल्गी भी बोलते हैं. दूसरा पॉइंट है कि जो गेंड, जो केल्प होते हैं, वो भी सी बनते हैं, एज वेल स्मॉलर इंटरटाइडल सी बीट, क्योंकि ये इंटरटाइडल जो रीजन होता है ओशियन का, उसमें पाए जाते हैं. और 99.7% ये कैसे होते हैं, मरीन एल्गी होते हैं. सो दे आर कॉमनली नोन एज सी बीट्स. और दिस ग्रुप इज का एक मेंबर होता है जिसे हम बोलते हैं सार्गेसम. वेरी फेमस है सार्गेसम ऑफ सार्गेसोसी. सार्गेसोसी इज ए पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, जो कि कहाँ पर लोकेट है, यूरोप में. और इसमें एक एल्गी होता है जो ब्राउन एल्गी होता है सार्गेसम, वो इतना ज़्यादा, मतलब रिप्रोडक्शन करने के बाद इतना ज़्यादा इसकी नंबर बढ़ जाती है कि एक पर्टिकुलर एरिया, बहुत बड़ा एरिया वो कन्फाइंड हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्गेसोसी बोलते हैं. ये कोई सार्गेसोसी है नहीं रियल में, ये काल्पनिक, जहाँ जहाँ पर यह एल्गा पाया जाता है उस बिग एरिया को हम सार्गेसोसी कहते हैं. और सार्गेसोसी कहाँ पाया जाता है, अटलांटिक ओशियन में. तो इस कॉमनली क्या बोलते हैं कि सी इन दी ओशियन, सी इन दी ओशियन, वो का मतलब है सार्गेसोसी जो है ओशियन के अंदर प्रेजेंट है, अटलांटिक ओशियन. और इसकी बाउंड्री किसी लैंड एरिया से कवर्ड नहीं होती, क्योंकि गाइस ये काल्पनिक मतलब सी है, जो कि एक एल्गी की जो मास होता है, जो उसका वेजिटेटिव थैलस होता है, उसके स्कैटरिंग से अपीयर होता है उस पर्टिकुलर एरिया को, हम बोलते हैं सार्गेसोसी. ठीक है, एंड
गांट केल्प जो सबसे बड़ा जो केल्प होता है जिसे बोलते हैं माइक्रोसिस्ट, वो भी इसी ग्रुप में होता है, विच फॉर्म्स लार्ज फॉरेस्ट एंड हार्वेस्टेड फॉर आयोजेनिक एसिड, और पार्टिकुलर हम इसे आयोजेनिक एसिड को ऑप्टेन करने के लिए कमर्शियल लेवल पे इसे हार्वेस्ट करते हैं, और वो जो आयोजेनिक एसिड है वो यूज़ करा जाता है इंडस्ट्री में एज थिकनिंग फूड प्रोडक्ट, टू ग्लॉसी पेपर प्रोडक्शन, टू बीयर ब्रूइंग इंडस्ट्री में, और जो हमारी शराब की इंडस्ट्री होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है, फूड प्रोडक्ट के थिकनिंग में यूज़ करा जाता है एंड ग्लॉसी पेपर के प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ग्लॉसी पेपर प्रोडक्शन में भी इसे यूज़ करते हैं, किसे, ब्राउन एल्गीस को। लाइक द रेड एल्गी की बात अगर हम बात करें, सिमिलरिटी क्या होता है, रेड एल्गी सबसे एडवांस एल्गी यू नो, बट अगर हम थैलस के डिफ्रेंसिएशन की बेस पे बात करें तो हमारे ब्राउन एल्गी सबसे ज़्यादा एडवांस एल्गी होते हैं, ठीक है। तो करा राइट द लाइक द रेड एल्गी ब्राउन एल्गी आर द सोर्स ऑफ पोटेंशियल फार्मास्यूटिक कंपाउंड, एंड लाइक ग्रीन एंड रेड दोनों की तरह इनमें क्या सिमिलरिटी होती है, ब्राउन एल्गी ऑफन ए मेजर कंपोनेंट ऑफ रॉकी इंटरटाइडल जोन एंड आर एक्सपोज एट लो टाइड, एक्सपोज टू लो टाइड मतलब उन एरिया में जहाँ पे टाइड जो होती है वो स्लो हो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, एंड मस्ट रेजिस्टेंट बोथ डेसिकेशन एंड मेनी केसेस फुल फोर्स ऑफ मेजर वेव एक्शन एज द टाइड कम इन, और ये एल्गी अपने को मेंटेन करे रहते हैं, कब, जब डेसिकेशन मतलब होता है कि जब सनलाइट बहुत तेज होती है क्योंकि सरफेस फ्लोटिंग होते हैं तो उस टाइम डेसिकेशन से भी बचाए लगते हैं, क्योंकि इनकी जो जो थैलस होता है उसमें म्यूसिलेस की कवरिंग होती है, स्पेशली जो इनका फ्रंट वाला पार्ट होता है जिसको लीफ कहते हैं हम, उसके ऊपर क्या होता है, म्यूसिलेस की कवरिंग होती है। दूसरा, ये जो हाई टाइड्स आती हैं उनके अगेंस्ट भी ये खुद को मेंटेन कर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे इनकी कुछ फीचर्स की बात करेंगे, ये भी जो अभी स्टडी करी थी ये भी फीचर थे, अभी इन्हें सिस्टमेटिक हम बात कर लेते हैं कुछ, तो दे आर कलर्ड ब्राउन कलर के होते हैं एंड मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर नहीं होते बल्कि मल्टी सेलुलर होते हैं। पिगमेंट की बात करें क्लोरोफिल ए एंड सी, बीटा कैरोटीन, बायोलाजेंथिन एंड फ्यूकोजेंथिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो इन्हें ब्राउन कलर देता है। इसके अलावा मरीन है, केवल कुछ एक जीनस, केवल गिनती के 5 जीनस हैं जो कि आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। स्टोरेज फूड प्रोडक्ट में आप बता चुके हैं लेमिनेरिन और बेनिटाल होता है, और जायगोट में कोई रेस्टिंग अवस्था नहीं होती, मतलब पीरियड जो रेस्टिंग पीरियड होता है, मतलब जायगोट जो फ्यूजन के बाद बनता है तो कुछ टाइम के लिए रेस्ट नहीं करता बल्कि डायरेक्टली डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है न्यू प्लांट का। लार्जेस्ट मेंबर जो होते हैं एल्गल वर्ल्ड के केल्प, वो आपके एक लगभग 100 मीटर जिन्हें हम कह सकते हैं 135 फीट तक की ग्रो करते हैं। इसके अलावा मोस्ट स्पीसीज जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, कूल ऑफशोर वाटर्स, मतलब ऑफशोर मतलब किनारे पे और कूल ठंडे पानी में, एंड अकर्स एज ए स्मॉल मल्टी सेलुलर प्लांट के रूप में, स्मॉल साइज बट मल्टी सेलुलर, ये ध्यान रखना है। साइज ऑफ द थैलस रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एपिफाइटिक, मतलब इनका जो ओवरऑल जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से रेंज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एपिफाइटिक से लेके ह्यूज डेंड्रॉइड कॉलोनी, जैसे कि माइक्रोसिस्ट जो बड़ा एल्गी होता है वो ह्यूज डेंड्रॉइड कॉलोनी बनता है, मतलब ये नहीं है कि सब माइक्रोसिस्ट होते हैं, माइक्रोसिस्ट से लेके डेंड्रॉइड कॉलोनी तक, और एपिफाइटिक मतलब किसी दूसरे प्लांट पे दूसरे एनिमल की बॉडी पे रहना एपिफाइटिक कहलाता है। तो माइक्रोस्कोपिक एपिफाइटिक से लेके ह्यूज डेंड्रॉइड कॉलोनी तक बनाने वाले एल्गी इस ग्रुप में होते हैं, मतलब फ्यूफाइसी में। प्लांट वाटर जो होते हैं इनकी वो डिफ्रेंशिएट होती है, इंटरनली भी बहुत डिफरेंस होती है और कामर एक्सटर्नली भी डिफ्रेंशिएट होती है, एक क्योंकि इसमें जो होता है आप देखते हैं मेडुला और कॉर्टेक्स, कहने का मतलब बॉडी डिफ्रेंशिएशन की अगर हम बेस पे बात करें गाइस तो अमंग दी एल्गी ब्राउन एल्गी तो एडवांस ग्रुप ऑफ दी एल्गी, बट वैसे अगर बात करें जनरल वे में कौन से ज़्यादा एल्गी एडवांस है तो वो होते हैं आपके रेड एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे इनकी सेल वॉल जो होती है उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है जो मेन लेयर इनर लेयर बनाता है, ठीक, और जो बाहर की जो लेयर होती है सेकंड आउटर लेयर वो फ्यूसिनिक एसिड एंड एल्जिनिक एसिड की बनी होती है। एल्जिनिक एसिड का एक आपके फाइकोकोलाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो तीनों टाइप का होता है गाइस, आइसोगैमी एनआइसोगैमी एंड ओगैमी, जैसे हमने आपको फ्यूकस पढ़ाया, फ्यूकस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या था, ओगैमी था, जबकि इसके दूसरे जो मेंबर्स होंगे उनमें आपका आइसोगैमी भी होता है और एनआइसोगैमी भी होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर्स के थ्रू होता है, और आपका उसमें लैटरल दो मतलब दो मतलब लैटरल अनइक्वल फ्लैजला पाए जाते हैं, और वो स्पेसिफिकली डेवलप जो ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम स्पोरिंजिया कहते हैं वहाँ पे डेवलप होते हैं। इसके अलावा फ्यूफाइसी के मेंबर जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर ब्राउन एल्गी विद अ वाइड रेंज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, उनके साइज में बहुत ज़्यादा मतलब छोटे बड़े बहुत होते हैं, मतलब एक वाइड रेंज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल साइज की पाई जाती है। इसके अलावा ब्राउन एल्गी जो होते हैं आल्सो रिमार्केबल इन दैट दे आर वेरी ओनली स्मॉल नंबर ऑफ यूकैरियोटिक ग्रुप्स दैट हैव इवॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलरिटी, मतलब यूकैरियोटिक ग्रुप के जो बहुत ही कम नंबर हैं जिसमें एक यूकैरियोटिक ग्रुप होने के साथ मल्टी सेलुलरिटी वो भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलरिटी को इवॉल्व डेवलप कर रखा है, उसमें आपका ब्राउन एल्गी भी आता है।
और ब्राउन एल्गी आर डिस्टिंग्विश्ड बाय क्लोरोप्लास्ट दैट हैव फोर सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स। हम क्वालिटी पहले उसमें बता चुका, थायलाकोइड में आपके थ्री मेम्ब्रेन्स होती है, फ्यूकोजेनेटिन कवर मास्क, लैमिनरी फोटोसिंथेटिक रिजर्व, एल्जिनेट कॉमनली एज सेल वॉल मैट्रिक्स। रिपीट हुआ है पॉइंट गाइस, पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सभी कुछ इसमें बता दिया गया एक पॉइंट में। इसके अलावा गाइस एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, जो हमने डायटम्स में आपको बताई थी कि जो ये ब्राउन एल्गी होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके सेकेंडरी एंडोसिम्बायसिस। इसका मतलब क्या होता है, एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म अनदर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लेता है और उसके बहुत सारे फीचर को एडॉप्ट कर लेता है। जैसे इसके क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ फोर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना, ये रिप्रेजेंट करता है कि दो मेम्ब्रेन, एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, मगर इसमें चार मेम्ब्रेन होती हैं। तो कैसे चार होंगे, जो इनगल्फिंग करी है उन्होंने, सेकेंडरी एंडोसिम्बायसिस करी है, तो दोनों के फीचर्स एक में आ गए, तो इसके जो क्लोरोप्लास्ट हो गया वो फोर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है गाइस, इसी तरीके डायटम्स में आपने देखा होगा, डायटम्स को हम मानते क्या है, एल्गी होते हैं, जबकि डायटम्स में आपने देखा था जो आपकी यूरिया साइकिल होती है वो कंप्लीट यूरिया साइकिल पाई जाती है। यूरिया साइकिल किसका फीचर से गाइस, वो आपका एनिमल का फीचर से। तो इसी तरीके से सेकेंडरी एंडोसिम्बायसिस जो होता है, एक एंडोसिम्बायसिस जो हम बात करते हैं तो हमारा सिंपल मीनिंग होता है कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करता है, जबकि सेकेंडरी एंडोसिम्बायसिस का मतलब होता है कि एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म दूसरे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर लेता है और उसके करेक्टर को अडॉप्ट कर लेता है, ये मतलब होता है सेकेंडरी एंडोसिम्बायसिस का। एक पॉइंट बात करें कि जो आपके ब्राउन एल्गी होते हैं उसमें जो पिगमेंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी हम बात करते हैं फ्यूकोजेनेथिन, उसका फार्मूला आप ध्यान रखें, जो कि एक टाइप का क्या होता है, जेंथोफिल होता है, फार्मूला होता है C40H54NO6। इसी की वजह से जो होता है इनके ब्राउन एल्गी कलर ब्राउन होता है और इट प्रेजेंट का क्रोमेटोफोरिन प्रेजेंट होता है और पायरिनोइड यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ये भी ध्यान रखना, पायरिनोइड यहाँ पे नहीं होते चाहिए। अब हम हैबिटेट की बात करें, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं, फिर भी एक बार देख लें हैबिटेट के लिए। हमने बताया कि ये मरीन में होते हैं, कोई भी मतलब केवल एक एक्सेप्शनली कुछ चंडा जो होते हैं वो फ्रेश बॉटम पाए जाते हैं, बाकी सब कहाँ पाए जाते हैं, मरीन बॉटम पाए जाते हैं, और कहाँ पे स्पेशली इंटरटाइडल एंड अपर सबलिटोरल जोन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशली जो रॉकी सोर्स होते हैं जिनके किनारे पे चट्टानें होती हैं वहाँ पे ये मेंबर काफ़ी सारे मतलब एडवांस उसमें पाए जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये जो आपका पूरी बर्ड ग्लोबल लेवल बात करें तो जो नॉर्दर्न वाला है एरिया उसमें पाया जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये एल्गी एब्सेंट होता है, इसलिए इसे हम नॉर्दर्न रॉक बीट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, नॉर्दर्न रॉक बीट बोलते हैं। रॉक बीट तो कॉमन नेम है जैसे उसका आप फ्यूकस का, इसी तरीके से फ्यूकस या दूसरे जो मेंबर्स होते हैं वो आपके सदर्न और नॉर्दर्न दोनों में पाए जा सकते हैं, बट फ्यूकस है स्पेशली अगर हम उसकी बात करें तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल एब्सेंट होता है, कंप्लीटली लैक, जबकि ये नॉर्दर्न में पाया जाता है। इस तरीके से दूसरे मेंबर्स भी गए जो होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। अब बात करते हैं ब्राउन एल्गी में जो प्रिडोमिनेंटली मैरीन इन डिस्ट्रीब्यूशन, जो मोस्टली है ये कैसे है, मरीन इन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समुद्र में मोशन वाटर पाए जाते हैं, खैर लेस देन 1% ऑफ द स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर, केवल 1% से कम, हमने बताया था 99.7%, तो 1% से कम, बाकी बचे कितने 0.3%, तो 0.3 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 1% ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर पाए जाते हैं। अब अच्छा, जो इनलैंड स्पीसीज होती हैं वो आपकी बेंथिक, बेंथिक का मतलब होता है बॉटम पे पाई जाने वाली, वो आपकी लेक में पाई जाती है, स्ट्रीम में पाई जाती है, कहने का मतलब जो फ्रेश वाटर वाली हैं वो आपकी बेंथिक होंगी, बेंथिक आपकी जहाँ स्ट्रीम भी हो सकती है और लेक में भी पाई जाती है, बाकी तो ये ओशियन में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर मेंबर जो होते हैं उसमें कुछ आपके नाम है ध्यान रखने, जो फ्रेश वाटर पाए जाते हैं एक दो नाम है केवल, प्लोरोक्लेडिया, हेरिबुलेडिया, सीरो बोडेंडेला एंड लिथोडर्मा एंड स्पेरे क्लेरिया, ये आपके कुछ मेंबर्स हैं जो फ्रेश वाटर मेंबर्स हैं। इसके अलावा ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो आपने देखा होगा रॉकी जो कोस्ट होते हैं उनसे अटैच पाए जाते हैं, स्पेशली टम्परेट जोन, टम्परेट का मतलब हुआ जो कोल्ड वाटर वाले, जैसे आपका फ्यूकस आ गया, एस्कोफाइलम आ गया, और सार्गासम जो है जबका फ्री फ्लोटिंग है, आपको ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फ्री फ्लोटिंग है और फ्यूकस और स्काइलम जो होते हैं जो मेन है वो आपके अटैच होते हैं रॉक इंटरटाइडल कोस्ट से, तभी तो हमने देखा होगा फ्यूकस जो सार्गासम जो है सार्गासम उसी का फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि ये फ्री फ्लोटिंग होता है ओशियन की सरफेस पे, इतने लार्ज एरिया तक ये फैल जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, सार्गासूसी बोलते हैं इन अटलांटिक ओशियन में। इसके अलावा एक मेंबर इसका होता है प्लोरोक्लेडिया लैकेस्ट्रिस, जो कि अडॉप्टेड टू लिव इन बोथ मतलब आपका फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 99% जो हैं आपके वो मरीन वाटर हैं, कुछ एक जो है फ्रेश वाटर है, एक ऐसा भी है जो आपको दोनों जगह पाया जाता है, वो ध्यान रखना है प्लोरोक्लेडिया लैकेस्ट्रिस, जो आपका फ्रेश एंड मरीन दोनों जगह पे पाया जाता है। इसके अलावा कुछ इसके फीचर्स दोबारा से देखते हैं जो इसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीसीज कलर जो होता है ब्राउन एल्गी में वेरीज करता है, कहाँ से, ओलिव ग्रीन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ कितना जो कंसंट्रेशन है फ्यूकोजेनेथिन का, फिर ये क्या देता है ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल भी चूंकि इसमें प्रेजेंट होता है एसी, तो इस तरीके से
ओवरऑल मेंबर की देखें तो मेजॉरिटी में जो मेंबर होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, बट कुछ में जो होता है आपका ग्रीन पिगमेंट भी होते हैं, तो इनका कलर भी देखने को मिलता है। अच्छा, मोस्ट केस में प्लांट बॉडी कैसी होती है? मोबाइल होती है, एक जगह पे अटैच होती है, मल्टी सेलुलर, हाईली डिफ्रेंशिएटेड होती है। चाहे एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक्सटर्नल की बात करेंगे तो ट्राइसेक्टेड थैलस बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पोर्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ट्राइसेक्टेड। और अगर हम इंटरनली बात करें तो कार्टेक्स और मेडुला में डिवाइड होता है दो पार्ट में, ठीक है। तो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से प्लांट बॉडी कम्प्लीटली डिवाइड होती है। अच्छा, इसमें जो यूनिसेलुलर और जो फार्म होती हैं वो बिल्कुल एबसेंट होती हैं, अभी तक उसमें कोई भी यूनिसेलुलर फार्म जो है वो कम्प्लीटली एबसेंट है। यूनिसेलुलर कॉलोनी, कॉलोनी कैसी, मोटाइल और अनान मोटाइल, इस तरह की कॉलोनी नहीं बनाती, इसमें बड़ी ह्यूज डेंड्रोइड कॉलोनी बनती है। एंड अनब्रांच्ड फिलामेंट, अनब्रांच्ड फिलामेंट फार्म जो है सब ब्रांच्ड ही होती है गाइस। तो अनब्रांच्ड फिलामेंट फार्म और आपकी यूनिसेलुलर फार्म जो है अभी तक कह रहे हैं कम्प्लीटली एबसेंट है, इस ग्रुप में नहीं पाई जाती। इसके अलावा जो ये माइक्रोस्कोपिक हेटरोट्राइकस जो कि इक्टोकार्पस होता है, लार्ज एल्गा माइक्रोसिस्टिस तक आपको पहले बता चुका है, ये वही फीचर्स हैं, एक तो रिपीट हुआ है यहाँ पे। सबसे छोटा वाला जो फीचर्स होता है, सबसे छोटा जो एल्गी इस ग्रुप का गाइज, वो इक्टोकार्पस जो हेटरोट्राइकस फिलामेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब माइक्रोस्कोप दिखता है। और दूसरे कहाँ तक होते हैं, लार्जेस्ट एल्गा, सबसे बड़ा जो एल्गी ग्रुप का सबसे बड़ा एल्गा जैसे बोलते हैं, लार्जेस्ट एल्गा जिसका नाम है माइक्रोसिस्टिस पायरीफॉर्म, वो भी इसी ग्रुप में पाया जाता है। और वो कितना जाता है, 60 to 90 meters तक उसकी लेंथ होती है गाइज। इसके अलावा जो लार्जेस्ट फार्म्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं गाइज, केल्प बोलते हैं या रॉक बीड बोलते हैं, इसमें आपका लेसोनिया डेविकेंस आता है, इसकी रीच 4 meters तक, ठीक है। एंड लुकिंग लाइक ए मिनिएचर ट्री, छोटा सा ट्री दिखाई देता है गाइस, इस तरीके से दिखाई देता है कि छोटा सा ट्री है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूरोसिस्टर ल्यूकाना जिसे हम ब्लैडर केल बोलते हैं, इसकी हाइट जो होती है वो 25 to 30 meters होती है। इसके अलावा पोस्टेल्सिया पेमीफॉर्म जिसे हम सी पाम बोलते हैं, ये एक पाम ट्री की तरह लगता है। तो आपको ये देखना है, मिनिएचर ट्री और पाम ट्री दो बातें ध्यान रखना है, ये एल्गी मतलब ट्री की तरह दिखते हैं। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो आपको बता चुके हैं, फोटोसिंथेटिक में क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, बीटा कैरोटीन होता है। इसके अलावा जैंथोफिल में जो होते हैं, ल्यूटिन होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, फ्लोवोजेंथिन होता है और वायलोजेंथिन होता है, चार ये और तीन ये, मगर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो फ्यूकोजेंथिन की, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक पिगमेंट है, प्रीडोमिनेंट पिगमेंट है, ठीक है। और इसकी वजह से ही इन्हें कलर मिलता है, कौन सा, ब्राउन कलर। अब हम कुछ एग्जांपल के पिक्चर देख लेते हैं गाइस, ये आप देख सकते हैं और ये आपके नाम है, जैसे कि हम बात करते हैं पहले वाले को, हम देखते हैं ये आपका है सबसे बड़ा जो एल्गी होता है उसे कहते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट एल्गी ये होता है आपका माइक्रोसिस्टिस। दूसरा हम आप देख सकते हैं ये वाला पिक्चर जो है, ये कौन सा एल्गी होता है, इसका नाम देख लें आप, दिस पिक वन, इसे हम क्या बोलते हैं कॉमनली, इसे हम बोलते हैं पोस्टेल्सिया पाल्मिफॉर्मिस, ठीक है, न्यूरोसिस्टिस बोलते हैं इसे। और तीसरा वाला ये जो है आपका है, ये जो सी पाम लग रहा है ये आपका है, इसे बोलते हैं पोस्टेल्सिया पॉमीफॉर्मिस। एंड लास्ट वन दिस वन, जिसे हम बोलते हैं एक ऐसे करके, इस तरीके से होता है, एक ये लीफ है और ऐसे करके इस तरीके से बंद होता है, ये बनता है लेमिनेरिया। और लेमिनेरिया को क्या बोलते हैं, लेमिनेरिया में आपने देखा डेविल एप्रॉन या शुगर केल्प के नाम से जाना जाता है, लेमिनेरिया साइकेरेना, इस स्पीसीज को हम जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं कुछ म्यू जो हमने आपको स्टडी कराया है, ये देखिए डिक्टियोटा के बारे में हमने खूब सारा डिस्कस किया है, और ये तो हमारे सिलेबस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूकस बोलते हैं। एंड देन ये आपका हो गया डिक्टियोटा का जनरल पूरा, और ये हो गया आपका एस्कोसीरा, ये जो होता है इस एल्गी की क्वालिटी है कि ये जो अंटार्कटिक ओशियन है वहीं पे पाया जाता है, मतलब एंडेमिक स्पीसीज है, ये एंडेमिक जेंडा है आप दी ब्राउन एल्गा जो कि अंटार्कटिक ओशियन में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये आपका देखते हैं इक्टोकार्पस, जो हमें स्टडी करना है, जो हमारे सिलेबस में है, और ये बहुत छोटा सा एल्गी होता है इक्टोकार्पस जो होता है, ये काफ़ी छोटा सा एल्गी होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। ये आपका लेमिनेरिया का फुल व्यू है, किस तरीके से लेमिनेरिया होता है। एंड देन ये आपके बहुत ही रेयर एल्गी होते हैं जो ब्राउन एल्गी हैं, इनका नाम है कार्पोमेट्रा, ठीक है। और ये दूसरा वाला होता है जोनेरिया का, इन दोनों क्वालिटी का, इनका जो थैलस होता है इसे एक नाम दिया गया है केबल टाइप थैलस, इसलिए हमने इनके पिक्चर लगाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं कुछ फीचर्स हैं, इनमें जो ग्रोथ का पैटर्न होता है फ्यूफाइसी में वो किस्सा होता है, देखिए जो आपका एपिकल ग्रोथ होती है, जो फ्यूकेल्स और डिक्टियोल्स वाले आर्डर है इनमें एपिकल ग्रोथ होती है, इंटरकैलरी ग्रोथ होती है लेमिनेरल्स के जो मेंबर्स होते हैं उसमें, और ट्राइकोथैलिक ग्रोथ होती है इक्टोकार्पस के जो मेंबर्स होते हैं उनमें होती है ट्राइकोथैलिक ग्रोथ। तो ये तीन डिफरेंट टाइप की ग्रोथ पाई जाती है प्लांट बॉडी ऑफ दी
फ्यू फाइसी के जो मेंबर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वाल जो होती है वो इनकी डिफ्रेंशिएटेड होती है, ऑलरेडी बता चुके जो इनर वाल होती है वो सेलुलोज की होती है, बाहर वाली फ्यूसेनिक एसिड एंड एल्जेनिक एसिड। इनके अंदर कुछ गैस फिल्ड ब्लेडर भी पाए जाते हैं जिन्हें नेमाटोसिस्ट कहते हैं, और ये इन्हें ऑलरेडी फ्लोटिंग में मूव करवाते हैं ऑन दी वाटर सर्फेस। इसके अलावा कुछ और दूसरी वेसिकल्स होती है या वाइट ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्यूकोसेन वेसिकल भी बोलते हैं। इसके अलावा जो पाइरेनॉइड होता है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। और जो मोटाइल स्ट्रक्चर की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बात करें पहले एसेक्सुअल के लिए, तो जूस्पोर या गैमिट होते हैं जिनमें टू लेटरली फ्लेज्ड फ्लेजला होते हैं। और जो फ्लेजला होते हैं वो दोनों टाइप के होते हैं, जैसे ये इनका वो हो गया और इसमें इस साइड में दो फ्लेजला होते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक छोटा होता है बड़ा होता है, और एक टेंसर होता है विप सेल होता है। विप सेल का मतलब होगा लाइक दैट, इस तरीके से कि जिसकी जो वो होती है वो पतली इस तरीके से बेस पे चौड़ा और नीचे की तरफ, ये हुआ विपलेस वाला, ये वाला और चिकना होता है किस तरीके। और जो टेंसल होता है ये छोटा सा होता है मगर इस पर छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं लाइक दैट, ये टेंसल कहलाता है। तो दो टाइप के फ्लेजला होते हैं जो इनके लेटरल साइड से निकलते हैं। इनका जो रिप्रोडक्टिव बॉडी जूस पोर्स होता है ये बिल्कुल ग्रीन एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास के होते हैं वैसे होते हैं, मगर जो फ्लेजला की पोजीशन होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। ग्रीन एल्गी जो होते हैं उन्हें फ्लेजला टॉप पे होते हैं, जबकि अपनी ब्राउन एल्गी में फ्लेजला जो होते हैं लेटरल साइड में अराइज होते हैं, और दूसरे के दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है, एक भी प्लेस होता है और दूसरा क्या होता है टेंसिल होता है। इसके अलावा जो फूड मटेरियल आपको बता चुके हैं, थ्री मीन से रिप्रोडक्शन होता है, कुछ एल्गी में वेजिटेटिव होता है, कुछ में एसेक्सुअल भी होता है, कुछ में सेक्सुअल भी होता है। सोशल जो होता है वो तीनों टाइप का होता है। इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है गाइस वो आपका आपने देखा होगा सार्गेसम वगैरह में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और स्पेशल रिप्रोडक्टिव ब्रांच जो होती हैं उन पर प्रोपेगुल्स बनते हैं, और कुछ मेंबर में जो आपके एक आर्डर होता है स्फेरिकल्स उसमें ये ऐसा होता है, और दी डेवलप न्यू प्लांट आफ्टर डिटैचमेंट, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कुछ मेंबर में होता है। जैसे हमने फ्यूकस सबको स्टडी कराया, फ्यूकस में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हमने बात नहीं करी थी, वहाँ पर हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल की बात करी थी, बट ओवरऑल फ्यूफाइसी हम पढ़ रहे हैं तो फ्यूफाइसी के जो मेंबर्स हैं ओवरऑल में कहें तो उसमें तीनों टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, मतलब वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और जो वेजिटेटिव होता है वो कैसे होता है, आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल क्या होता है, जूस पोर का फॉर्मेशन होता है, और आपका जो सेक्सुअल होता है उसमें तीनों तरीके के मतलब गैमेट बनते हैं, आइसोगैमस एनाइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप का। देखो आगे बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस पोर के थ्रू होता है एक्सेप्ट टेलोप्टेरिडल्स एंड डिक्टियोल्स एंड फ्यूकल्स, इन्हें छोड़ के तीन, मतलब सब में नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। देखिए हमने फ्यूकल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो जूस पोर के थ्रू नहीं होता, और दूसरे डिक्टियोल्स में भी नहीं होता, और टेलोप्टेरिडल्स में भी नहीं होता। बाकी में जो ग्रुप है 9 ऑर्डर्स होते हैं, उन बाकी बचे हुए 6 ऑर्डर में जूस पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जूस पोर होते कैसे गाइस, कहाँ बनते हैं, जूस पोर प्रोड्यूस इन यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया जो इसी पर डेवलप होती है इनके थैलस पे, और वो कैसे होते हैं हैप्लाइड होते हैं, जबकि दो टाइप की स्पोरेंजिया बनती है, वेरी करेक्टरिस्टिक फीचर्स है आपका फ्यूफाइसी का। देखिए जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जूस पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जूस पोर जो होते हैं दो टाइप की स्पोरेंजिया में बनते हैं, मतलब ये आपके हैप्लाइड भी होते हैं और आपके डिप्लाइड भी होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि दो टाइप के जूस पोर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपके पाए जाते हैं फ्यूफाइसी के मेंबर में, मतलब हैप्लाइड भी होते हैं और डिप्लाइड भी होते हैं। जो यूनिलोकुलर में बनेंगे वो हैप्लाइड होंगे, और जो पेलोरिकुलर स्पोरेंजिया में बनेंगे वो आपके डिप्लाइड होंगे। अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं तो वो आपके तीनों टाइप का होता है, आइसोगैमी, ठीक है, जैसे एक्टोकार्पस की बात करेंगे, ओगैमी जिसमें हमने फ्यूकस की बात करी, फ्यूकेल्स डिक्टियोल्स और लेमिने जो अच्छे ग्रुप हैं जो एडवांस ग्रुप हैं उनमें ओगैमी होती है, और एनाइसोगैमी भी एक होती है जिसमें अपना रखा था कटलेरियल्स जो होता ना कटलर, जो उस एल्गी में आपका एनाइसोगैमी भी होती है। इसके अलावा जो आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है वाटर में होता है, मतलब एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब जायगोट की बात करें, जायगोट में कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होता, डायरेक्टली वो डिवाइड होकर आगे का डेवलपमेंट शुरू कर देता है, मतलब डिवाइड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है। इसके अलावा न्यू जनरेशन की हम बात करें तो वेरियस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जैसे हमने देखा फ्यूकस में कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता, बट यहाँ पे हम फ्यूफाइसी पढ़ रहे हैं ना कि फ्यूकस, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एल्गीज हैं जो ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अल्टरनेशन ऑफ देखने को मिलता है। जैसे आइसोमॉर्फिक मिलता है आपका एक्टोकार्पस में, ठीक है, हेट्रोमॉर्फिक मिलता है लैमिनेरिया में, डिप्लोंटिक टाइप का किस में मिलता है सॉर्गेसम में, तो फ्यूकस में देखिए कोई भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता, मैंने आपको बता दिया है। जो हम अब इसके बाद पढ़ेंगे एक्टोकार्पस, इसमें आइसोमॉर्फिक जनरेशन होता है क्योंकि ये प्रिमिटिव मेंबर्स है ब्राउन एल्गी का, और जो हमने अभी तक पढ़ा है फ्यूकस ये आपका एडवांस मेंबर था। नेक्स्ट पॉइंट है जो मेंबर्स हैं फ्यूफाइसी गाइस वो शो टू टाइप ऑफ लाइफ साइकिल का, दो पैटर्न शो करते हैं, एक डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं जैसा कि हमने आपका देखा था फ्यूकस में और सार्गेसम में, इसके अलावा डिप्लो हैप्लांटिक लाइफ साइकिल भी रिप्रेजेंट करी जाती है कुछ एल्गी के थ्रू। इसके अलावा ब्राउन एल्गी फॉर्म एक ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर एल्गी दैट बिलोंग टू स्टीनोफाइलेनेस आल्सो नोन एज हेट्रोकॉन, ये इनकी अपनी
फाइलोजेनेटिक अप्रोच थी। इसके अलावा अगर बात करें दे अकर ऑलमोस्ट मरीन इन्वायरमेंट रॉकी कोस्टल लाइन्स पे और दीज आल्सो हैव अट्रैक्टेड इंटरेस्ट फॉर ए नंबर ऑफ रीजन। इनमें रिसर्च का पॉइंट क्या है कि दे आर स्ट्रीमो मीनोपाइल्स, मतलब ये डिस्टेंटली रिलेटेड एक दूसरे से, जैसे कि दूसरे जो ग्रुप है एनिमल और फंजाई के और ग्रीन एल्गी का जो ग्रुप है उनसे इनका रिलेशन मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं रिसर्च में ये आज के टाइम में अट्रैक्ट कर रहे हैं साइंटिस्ट को। नाउ हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो हमने आपको बताया कि जो फ्यूकेसी फैमिली है उसमें 9 ऑर्डर्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके ऑर्डर फ्यूकेल्स के बारे में, और इसमें हमारा जो मेंबर्स है इक्टोकार्पस, जिसे हमें कम्प्लीट स्टडी करना है। उसके बाद दूसरा ऑर्डर है जो हमने यहाँ पर हाईलाइट इसलिए करा है क्योंकि हमें पढ़ना है। दूसरा है क्लोट्रिडियल्स, जिसमें आपका आता है मेम्बर कटलेट्स, जिसमें कटलेरिया आता है, स्पेरो नेल्स, जिसमें आपका स्पोरोक्नस आता है, और इसके बाद डेस्मेरिटेल्स, जिसमें आपका डेस्मेरिस्टी आता है, लेमिनेरियल्स, जिसमें आपका लेमिनेरिया आता है। काफ़ी कॉमन इंपॉर्टेंट मेम्बर्स हैं। इसके अलावा स्पेरोक्लेरियल्स, जिसमें आपका स्पेरिक्लेसी आता है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिक्टियोल, जिसमें आपका डिक्टियोटा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम कराएं। और इसके बाद लास्ट पर है फ्यूकल, जिसमें आपका सार्गेसम और फ्यूकस आते हैं। हमने फ्यूकस को ऑलरेडी स्टडी कर लिया क्योंकि हमारे सिलेबस में, और इसके बाद सार्गेसम भी इसी में आता है। कहने का मतलब है सार्गेसम, फ्यूकस और डिक्टियोटा आप बिल्कुल लास्ट में देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑर्डर डिक्टियोल्स और ऑर्डर फ्यूकल्स ये जो है 9 ऑर्डर में सबसे एडवांस ऑर्डर्स, और इन्हीं के मेंबर जो होते हैं डिक्टियोटा, सार्गेसम, फ्यूकस, ये सबसे एडवांस मेंबर माने जाते हैं। और इन्हीं में जो होता है जो डिफरेंशिएशन होता है थैलस का इंटरनली एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, तो आपको ध्यान रखना है इनकी। अब इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं उन दोनों के हम कुछ फीचर भी पढ़ेंगे। जैसे हम इक्टोकार्पल्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फीचर्स इनके हो सकते हैं। तो गाइस वही फीचर्स होंगे जो ऑलरेडी हम पढ़ के आए, फिर भी हम देख लेते हैं स्पेसिफिकली इक्टोकार्पल्स में कौन से फीचर पाए जाते हैं। तो जो प्लांट बॉडी होती है यहाँ पर फिलामेंटस ब्रांच हेटरोट्राइकस होती है, क्योंकि ये आपका इक्टोकार्पस का मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव ग्रुप है ब्राउन एल्गी का, इसमें इक्टोकार्पस आता है। तो इसमें देखिए ब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांच मतलब फिलामेंटस होती है, ब्रांच्ड होती है और हेटरोट्राइकस होती है। सबसे सिंपल टाइप की, मतलब सबसे ज़्यादा सिंपल टाइप की जो प्लांट बॉडी होती है ब्राउन एल्गी में, वो इसी ग्रुप में पाई जाती है। इन फिलामेंटस फार्म में सेल जो होती है वो अरेंज यूनिसेरेटली, मतलब इस तरीके से अरेंज होती है एक दूसरे की, ऐसा नहीं मल्टीपेयर, क्योंकि अनब्रांच्ड कहना ब्रांच्ड होता है, तो इस तरीके से यूनिसेरेट वे में ये सेल्स अरेंज होती हैं। इसके अलावा प्लांट बॉडी जो होती है वो इलांगेट करती है, वाई इंटरकैलरी ग्रोथ, हमने आपको बताया 3 टाइप की ग्रोथ होती है। पहली ग्रोथ जो होती है इंटरकैलरी ग्रोथ होती है इक्टोकार्पस में, और इस सेल कंटेंट क्लोरोप्लास्ट और पायरेनोइड प्रेजेंट होते हैं इस ग्रुप में, जो हमने बताया ना रेयर केस में प्रेजेंट होते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है भाई यहाँ पर देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं है, मगर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर्ट्स की मदद से होता है, जो आपके कौन से डिप्लॉयड स्पोर्ट्स केवल प्लोरो कुलर स्पोरेंजिया में बनेंगे। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका आइसोगेमी एनाइसोगेमी के थ्रू होता है। देखिए आप ओगैमी एब्सेंट है ये ध्यान रखना है, जबकि आपने फ्यूकस में क्या पढ़ा था कि आपका ओगैमी, जबकि आप एक्टोकार्पस में ओगैमी एब्सेंट होगी। दो तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, आइसोगेमी एनाइसोगेमी, तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक्टोकार्पस में कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड नहीं होता है, तो गाइस वो होगा आपका ओगैमी प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा दे परफॉर्म आइसोमार्फिक एंड हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जबकि फ्यूकस में कोई टाइप का अल्टरनेशन जनरेशन नहीं होता, जबकि यहाँ पे दो टाइप का अल्टरनेशन देखने को मिलता है, आइसोमार्फिक और हेट्रोमार्फिक दोनों टाइप का, ठीक है। इसमें एक फैमिली आती है एक्टोकार्पस, वही बात आ रही है, उसके मेंबर्स की बात देखें भाई फिलामेंटस ब्रांच एंड हेट्रोट्राइकस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखिए पार्टिकुलर अगर इसकी बात करें एक्टोकार्पस में आइसोगैमस होता है, अल्टरनेशन जनरेशन कैसा होता है वो आइसोमार्फिक होता है। ये हमारा मेंबर्स हो गया एक्टोकार्पस, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। दूसरा जो हमने पढ़ा ऑलरेडी फ्यूकेल्स, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें हमने दो नंबर देखा है फ्यूकस सार्गेसम एंड एस्कोफाइलम, ठीक है। इसमें क्या प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक पैरेन्काइमेटस होती है और ग्रो बाई सिंगल सेल, मतलब एपिकल सेल के थ्रू ग्रोथ होती है। इसके अलावा इसमें दो टाइप की स्पोरेंजिया, जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, जो कि एडवांस करेक्टर्स है। दूसरा है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है, इसमें देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा माइक्रोस्पोरेंजिया कहा तो है, मगर हमने आपको जो लेक्चर पढ़ा था उसमें इन टर्म यूज़ नहीं करे थे। क्यों नहीं करे थे, क्योंकि ये कहा जाता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया होती है जो हेट्रोस्पोरी का साइन है, मगर हेट्रोस्पोरी की बात जब हम करते हैं तो कम से कम ट्रेडोफाइट में जाना पड़ता है, तो यहाँ पर हम पढ़ना है एल्गी। तो कहने का मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो आपकी एंथ्रीडिया की इक्विवेलेंट होती है, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो आपकी इक्विवेलेंट होती है ओगोनिया की, ठीक है, जिसमें एक अंडा डेवलप होता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर, यहाँ ओगैमस टाइप का होता है, और स्पोरेंजिया जो होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, स्पेशल ब्रग कैविटीज़ में, जिन्हें बोलते हैं कंसेप्टाकल्स, वहाँ पे एंथ्रीडिया ओगोनिया डेवलप होते हैं। हमने ऑलरेडी आपको बताया कंसेप्टाकल्स रिसेप्टाकल्स, वही बात है यहाँ पे। अब देखिए ये हमने आपको स्ट्रक्चर बताया फ्यूकल्स का, ये इसका 3 बॉडी, एक इसका ये हो गया नीचे वाला पार्ट और एक इसके ये वाला पार्ट हो गया इस टाइप। इसमें केवल एक पार्ट है आपका ऊपर वाला
फ्रंट्स वाला पार्ट। उसके बाद ये एयर ब्लेडर्स होते हैं जिन्हें नेमाटोसिस्ट बोलते हैं, ये ऑस्टियोल्स होते हैं जो कंसेप्टाकल का मुंह माउथ होते हैं जो ऊपर खुलते हैं, ये रिसेप्टाकल उस पार्टिकुलर एरिया को कहते हैं जिसके ऊपर ये कंसेप्टाकल डेवलप होते हैं, कंसेप्टाकल ओपन बाय द ऑस्टियोल ऑन द सर्फेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये भी आपको फ्यूकस का है इसमें, क्योंकि हम फ्यूकस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेजिला कैसे हो गए, लेटरल फ्रेजिला होते हैं, एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। ठीक है, एक आई स्पॉट भी होता है, और ये आपका एंथेडिया का डायग्राम है, और ये आपका ओगोनिया जिसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, पैराफाइसिस पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, म्यूसिलेज का सिक्रेशन करना मतलब फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करना। ये आपका ओवम का सिंथेसिस दिखाया है यहाँ पे, इसमें तीन मेम्ब्रेन्स होती है, एंडोकाइट, मेसोकाइट और एक्सोकाइट। नाउ ये भी पिक्चर देख लेते हैं, इससे भैया जो आपने देखा था अभी, इसमें मिडरिप को भी दिखा रहा है फ्यूकस का पिक्चर। अब यहाँ पे एक बात दिखाएंगे, लाइफ साइकिल की बात अब आई थी गई, तो लाइफ साइकिल में हम दो बातें आपको बता देते हैं कि कुछ जगहों पे आपकी लाइफ साइकिल जो होती है वो जायगोटिक होती है, जिसकी लाइफ साइकिल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और दूसरी लाइफ साइकिल होती है स्पोरिक जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब पॉइंट होता है कि दो टाइप की लाइफ साइकिल है इतने सारे हमारे पास ऑर्गेनिज्म में, तो केवल दो बातें आपको ध्यान रखना है कि जो जायगोटिक या गैमेटिक लाइफ साइकिल होती है वो पाई जाती है, उसमें जो होता है स्पोरोफाइट स्टेज नहीं होती है। ठीक है गाइस, एक बात ध्यान रखो, दूसरा कोई भी मल्टी सेलुलर सेकेंड लेवल की जो स्टेज नहीं होती ना मल्टी मतलब प्रिमिटिव फॉर्म की बात करता है, और ये कहाँ पाई जाती है आपकी क्लेमाइडोमोना जैसे ग्रीन एल्गी जैसे उनमें पाई जाती है मतलब। ठीक है, कौन सी जायगोटिक या गैमेटिक लाइफ साइकिल। इसके अलावा जो स्पोरिक लाइफ साइकिल होती है वो आपकी उसमें आपकी अल्टरनेटिव स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों पाई जाती हैं, और जैसे कि आल एम्ब्रोफाइट है जिसमें आपके टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और ब्रायोफाइट और एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, मोनोकॉट सभी आते हैं केवल, और ब्रायोफाइट के केवल सब नहीं आते, लिवर बर्ड और मॉस दो ग्रुप होते हैं, इसमें केवल मॉसेस आते हैं, लिवर बर्ड नहीं आते हैं। ठीक है, जबकि एल्गी, फंजाई और आपका ब्रायोफाइट का लिवर बर्ड ये शो करेंगे आपके जायगोटिक या गैमेटिक मियोसिस मतलब विद एल्गी, एल्गी के साथ रहते हैं। तो इस तरीके की दो टाइप की लाइफ साइकिल होती है, जायगोटिक और गैमेटिक। ठीक है, जिसमें जायगोटिक मियोसिस होती है और किसमें स्पोरिक मियोसिस होती है। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस जो फैमिली सार्गेसी, उसमें क्या होता है, सार्गेसी में सार्गेसम आता है, तो सार्गेसी जो फैमिली होती है उसके जो मेंबर कहलाएंगे वो सार्गेसम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सार्गेसम सिक्का फॉर्मेशन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह पूछा जाता है, एक मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है और इसकी जो ग्रोथ होती है वो टेक प्लेस बाय थ्री साइडेड एपिकल सेल के थ्रू, और जो उसकी ब्रांच होती है मॉडिफाइड हो जाती है लीफ में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं फ्रंट्स बोलते हैं, और उनके ऊपर क्या होती है एयर ब्लेडर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो डिप्लाइड डेवलप होते हैं कहाँ, कंसेप्टाकल इम्बेडेड होते हैं जो सिलेंड्रिकल और फ्लैटेंडेड रिसेप्टर, बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है। अच्छा, प्लांट बॉडी की बात करें तो ब्रांच रेडली या लेटरली सिमेट्रिकल होती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। इसके अलावा तीसरा ऑर्डर हम पढ़ेंगे लैमिनरल्स के बारे में, जिनके मेंबर्स को कॉमनली क्या बोलते हैं, केल्प बोलते हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है, 50 से 60 मीटर तक होता है। इसके अलावा ये जो होते हैं कहाँ पर मेनली समुद्र में ग्रो करते हैं, कोई भी इनका मेंबर इसमें नहीं पाया जाता, फ्रेश वाटर में। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है मेनली पैरेन्काइमेटस होती है, ठीक है, और उसमें इंटरकैलरी मेडुला टाइप में डिवाइड होती है, मतलब उसमें ग्रोथ इंटरकैलरी होती है और मेडुला में और उसमें डिवाइड होती है। वेरी डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो होती है वेरी लार्ज जो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, और वही नेचर में डिफ्रेंशिएट होता है तीन पार्ट में, किसमें, होल्ड फास्ट में, स्टॉक में एंड लीफी ब्लेड्स जिन्हें फ्रंट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट बॉडी क्लियर कट डिवाइड होती है, और गैमेटिक जो प्लांट बॉडी होती है वो वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब ना के बराबर होती है, केवल गैमेट के थ्रू ही हम उसे बात करेंगे, ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, दैट मीन्स गैमेट ही रिप्रेजेंट करते हैं गैमेटोफाइट को। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केवल सार्गेसम में पाया जाता है, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं लैमिनरल्स, तो सार्गेसम में आपने देखा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था, मगर यहाँ पे नहीं है। तो इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक प्लांट होते हैं वो मच रिड्यूस एंड डायोसिस होते हैं मोस्टली केसेस में, और लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है लाइक फ्यूकस। अब हम इनकी इकोनॉमिक यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं गाइस, तो आपको पता है इसके बहुत सारे मेंबर, लेमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस, एक्लोनिया, डरबेलिया, एस्कोफाइलम, ठीक है, ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल आउटलेट देते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एल्जेनिक एसिड का यूज़ कहाँ होता है, एल्जीनिक आर्टिफिशियल सिल्क एंड इसके फार्मेशन। इसी तरीके से ये जो एल्जीनिक कोलाइडल जेल के फार्म में, स्टेबलाइजर के फार्म में यूज होता है कहाँ पे, बेकिंग एंड आइसक्रीम इंडस्ट्री में। इसके अलावा जो ये फर्टिलाइजर में भी यूज होता है लैमिनेरिया, और एल्जीनेट जो होता है वह इस कोल्ड लेवल का एक सॉल्युबल पॉलीमर है, इसका इस्तेमाल जो होता है वो हीटिंग टू हाइड्रेट को करने में आता है। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी हीटिंग टू हाइड्रेट, मतलब इसे मतलब ऑलरेडी सेमी सॉलिड टाइप का होता है ये, इसे वो नहीं है कि रखने के बाद बहुत टाइम के बाद ये खराब हो जाए। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम एल्जिनेट जो होता है इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी ब्राउन सीवीट जिसे फ्यूफाइसी से, और इसका काम कहाँ होता है, एज फूड में जो सोडियम एल्जिनेट के फार्म में यूज करा जाता है। पोटेशियम एल्जिनेट यूज करा जाता है, सोडियम करा जाता है, मैग्नीशियम करा जाता है। सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो है वो आपको बताया था पोटेशियम एल्जिनेट होता है। इसके अलावा इसमें दूसरे जो
होते वो आपके एल्जिनेट, लैमिनेरिन, सार्गेसम और फ्यूकेंस, ये भी आपके उनके नाम से डराइव कुछ मतलब केमिकल्स हैं और इनका यूज़ काफ़ी सारा मेडिसिन में होता है। जैसे हमने बताया था फ्यूकोडाइन जो कि एंटी कैंसर ड्रग होती है और कहाँ से मिलती है, फ्यूकस से मिलती है। इसी तरीके से लैमिनेरिन, सार्गेसन और फ्यूकेंस, ये उन्हीं से मिलने वाली मेडिसिन्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें एक जो कंसंट्रेशन होती है एल्जिन की वो लगभग 18-40% तक हो सकती है टोटल एल्जिनिक एसिड की। और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं इसके जिनकी लाइफ साइकिल पेरिनियल अलग तो होता है, हमने बताया था कि जिनकी लाइफ साइकिल मोर देन 1 ईयर मतलब 2-3-4 ईयर, जैसे हमने बताया था फ्यूकस का 2 से 3 एंड 4 to 5 ईयर में कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ मेंबर जो होते हैं जो एक्सपोज एरिया में होते हैं वो 2 से 3 साल में लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, और जो प्रोटेक्टेड एरिया में होते हैं वो 4 to 5 ईयर में करते हैं। मगर इसके अलावा एक मेंबर फैमिली का होता है जो, तो उनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो 15 साल तक में कंप्लीट होती है, मतलब 15 ईयर्स में। मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे सार्गेसम कह सकते हैं गाइस हम लोग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सार्गेसम की लाइफ साइकिल 15 साल में, मतलब ये भी पॉलीमेरिक है या कहते हैं पेरिनियल एल्गा, जबकि सार्गेसम जो होता है वो इतना, और जो फ्यूकस होता है वो आपका मतलब 4-5 ईयर में कंप्लीट कर लेता है। इसके अलावा इसमें जो केमिकल की बात करें तो आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड, डाइट्री फाइबर, आपने सुना होगा विटामिन बी, मैंने क्वेश्चन बनाया था, एंटी ऑक्सीडेंट, फिनोलिक कंपाउंड एंड पॉलीसेक्राइड भी पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ब्राउन एल्गा जो फंक्शनल फूड के फॉर्मेशन में करते हैं, रॉ मटेरियल फंक्शनल फूड के उसमें। इसके अलावा ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करें तो इन्हें हम न्यूट्रिटिव, फंक्शनल एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन भी हैं इनके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनके लिए ये दूसरे जो अपने मतलब सराउंडिंग के जो कम्युनिटीज़ में छोटे एनिमल और छोटे जो दूसरे एल्गी होते हैं उनके रहने के लिए मतलब हैबिटेट, खाने के लिए फूड मटेरियल का इस्तेमाल का यूज़ भी है, उनका इंतजाम या उनका व्यवस्था भी ये करते हैं। देखिए ब्राउन एल्गी आप इन प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द सच इकोसिस्टम, देयर फॉर दे प्ले इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल क्रिएटिंग हैबिटेट फॉर ए लॉन्ग रेंज ऑफ अदर मरीन ऑर्गेनिज्म, के लिए हैबिटेट का फॉर्मेशन करते हैं गाइस, कहाँ जहाँ पे मतलब ये कम्युनिटी के लिए, पॉपुलेशन के लिए एज ए स्टेबलाइजर काम करते हैं, क्योंकि अपने सराउंडिंग कम्युनिटी उन्हें दोनों को काफ़ी मतलब ये सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये इमल्सीफायर के फार्म में यूज़ करते हैं। और मैक्सिमम जो आपकी एल्जिन की क्वालिटी होती है, जो कंसनट्रेशन होती है, एक क्लैसोनिया नेग्रिकेंस जो एक ब्राउन एल्गी उसमें पाई जाती है 28 से 41% तक। एल्जिनेट एज ए थिकनर, एज ए विस्कोसिटी एजेंट के फार्म में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लेमिनेरिया जो हाइपरबोरिया है, इसका जो एक प्लांट होता है इससे मिलता है आपको ग्लूकोरोनिक एसिड है, जो आपको मैकेनिकल रिजिडिटी देता है प्लांट को, इसलिए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जो फूड प्रोडक्ट होता है इसमें, जो प्रिंटिंग पेस्ट फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आते हैं ये। इसके अलावा एल्जिनेट का बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, स्पेशली कल्चर मीडिया फॉर द बैक्टीरिया। इसके अलावा एल्जिनेट आपका एक जेलिंग पॉलीसेक्राइड के फार्म में भी यूज किया जाता है। एंड फाइनली गाइस, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।